गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए व्याकरण का एक और पाठ, यानी कि विशेषण। विशेषण एडजेक्टिव्स, जिन्हें आप अंग्रेजी में एडजेक्टिव के नाम से पढ़ चुके हैं। पहली और दूसरी कक्षाओं में हम पढ़ते हैं कि कौन कैसा लिखिए। तो ये विशेषण होते क्या हैं, विशेषण का मतलब क्या होता है? तो जहाँ शब्द की बात करते हैं विशेषण, तो नाम को सुनकर ही लग रहा है कि ये विशेषता बताने वाले हैं। विशेषण यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। किनकी बताते हैं, किनकी विशेषता बताते हैं, किस प्रकार बताते हैं, इनकी ही चर्चा आज हम संक्षिप्त में दोबारा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चार वाक्य लिखे हैं ऊपर। पहले वाक्य पढ़ लेते हैं। गुलाब सुंदर फूल है। गुलाब सुंदर फूल है। फूल कैसा है? सुंदर। गिलास में थोड़ा पानी है। गिलास में क्या है? पानी। कितना है? थोड़ा। फिर फूल पर दो तितलियाँ बैठी हैं। क्या बैठी? तितलियाँ। कितनी? दो। यहाँ इमारत पुरानी है। यह इमारत पुरानी है। इमारत कैसी है? पुरानी। तो यहाँ वाक्य में हम देख रहे हैं कि अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। पहला वाक्य गुलाब, गुलाब के बारे में बात की जा रही है कि गुलाब एक फूल है। ठीक है, गुलाब फूल है, हमें पता है। अब वो कैसा फूल है? सुंदर। तो यहाँ हमने सुंदर शब्द का मतलब किया कि गुलाब के बारे में बताया कि गुलाब कैसा है। दूसरे में ग्लास में थोड़ा पानी है। पानी कितना है? थोड़ा। तो यहाँ पर हमने बताया कि पानी कितना है। वहाँ फूल के बारे में बताया था कि कैसा है, पानी के बारे में बताया कि कितना है। कैसा और कितना, दो चीज़ें हुई। अब फूल पर दो तितलियाँ बैठी हैं। कितनी, कितनी तितलियाँ बैठी हैं? दो। तो यहाँ पर हमने तितलियों की संख्या बता रहे हैं। लास्ट में यह इमारत पुरानी है। इमारत पुरानी है तो पुरानी शब्द उसके बारे में बता रहा है। कंडीशन कैसी है? पुरानी। कौन सी इमारत? ये वाली इमारत। तो आप इस ये को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा है कि सुंदर, वो बता रहे हैं कि फूल कैसा है? सुंदर है। पानी कितना है? थोड़ा है। तितलियाँ कितनी हैं? दो हैं। और इमारत कैसी है? पुरानी। कौन सी इमारत है? ये है। तो इन सारे शब्दों में हमने देखा है कि फूल के बारे में बात की जा रही है, पानी के बारे में बात की जा रही है, तितलियों के बारे में बात की जा रही है, इमारत के बारे में बात की जा रही है। कहीं हम बता रहे हैं कि वो कितनी है, कहीं पर हम बता रहे हैं कि वो मतलब संख्या कितनी है उनकी, कहीं हम बता रहे हैं कि वो कैसे हैं। तो कौन, कैसा, कितना, जब ये बात की जाती है तो इन सारे शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है किसी भी संज्ञा यानी कि नाम वाले शब्द या सर्वनाम के बारे में ये बताना कि वो कितना है, कैसा है, और मतलब उसकी गुण दशा कितना, क्वांटिटी में कितना है, संख्या में कितना है, वो बताना, वो विशेषण होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऊपर लिखे वाक्यों में सुंदर, थोड़ा, दो, पुरानी आदि शब्द विशेषण हैं। तो विशेषण की परिभाषा किस प्रकार जान सकते हैं? संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि कोई भी नाम वाला शब्द हो या यह वह ऐसे वाले शब्द हो, तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो बताते हैं कि वो कितना है, कैसा है, ये सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि परिभाषा क्या होगी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर फूल सुंदर विशेषण है, थोड़ा पानी थोड़ा विशेषण है, दो तितलियाँ दो विशेषण है, पुरानी इमारत पुरानी विशेषण है। तो आप याद रखिएगा, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वो संख्या में भी हो सकते हैं, मात्रा में भी हो सकते हैं, अच्छाई या बुराई के गुण में भी हो सकते हैं या दोष में भी हो सकते हैं। तो आपको पहचानना क्या है? सबसे पहले नाम पहचानो, नाम वाला शब्द हो तो, अगर नहीं है तो सर्वनाम पहचानो, और उसके साथ ये देखो कि उनके बारे में क्या बताया गया है कि कौन कैसा, तो वो विशेषण है। तो दोहराइए विशेषण को। आपको जो अभ्यास कराया गया है, पहले परिभाषाएं उदाहरण भेजी गए हैं, उन्हें दोबारा कर लीजिए ताकि आपको ये अभ्यास आसानी से समझ आ सके। अब अगले मॉड्यूल में विशेषण के भेदों से हम आपको परिचित कराएंगे। तब तक के लिए इतना अभ्यास कीजिए और अपने सेहत का ध्यान जरूर रखें।